नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। जब भी बात बिहार में राजनीति की होती है, राजनीति की शुरुआत की होती है, तो लालू प्रसाद यादव जी का नाम अचानक से आपके सामने अनायास ये उभर उठता है। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में स्थापित हो चुके हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के कदावर नेता हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उनके साथ साथ नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और कई ऐसे नेता थे जो जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट थे, और ऐसे में बिहार में अपनी राजनीतिक जो सूझबूझ से सरकार चला रहे, विपक्ष में भी बैठे हुए। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की, लालू प्रसाद यादव जी की। लेकिन अभी हालिया दिनों में हमने एक राजनीतिक घटनाक्रम देखा है। हमने देखा है कि एक दूसरे के धुर विरोधी होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। नीतीश कुमार जी सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में जब हमने देखा था कि जातीय जनगणना के मसले पर एक ही पटल पर, एक ही जगह पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी मंच साझा करते हुए नजर आते हैं, इसके बाद जब सर्वदलीय प्रतिनिधियों का समूह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके लौटता है, तब हमने चेहरे की खुशी भी देखी थी, रंगत भी देखी थी कि किस प्रकार से रंग मिल रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का। ये तमाम हमने राजनीतिक घटनाक्रम देखे थे। इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव जी भले ही बिहार से बाहर है, लेकिन बिहार की राजनीति से उन्हें कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। बिहार की राजनीति में वे स्थापित हैं, लालू प्रसाद यादव जी। और जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो प्लान भी कर रहे हैं। जातीय जनगणना वाला जो मसला था, यही बताया जा रहा था कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को लेकर के इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस पे लालू प्रसाद यादव जी का इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है, यह भी बात लाइव की टीम ने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। लेकिन अब एक नई बात सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने लिस्ट तय कर लिया है, और लिस्ट जो तैयार कर लिया है, इसी से उनके पुत्र जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, ये कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये आखिरी जो है मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पर बैठने का यह समय है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन जो लिस्ट तय हुआ है, इससे जरूर ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि भविष्य किसके हाथ में है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को आप अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी का भविष्य में क्या कुछ होना है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि आटा, सब्जी, फल, दाल, तेल, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा, भाड़ा सब महंगा हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने खाद्य पदार्थ खरीदने से लेकर खाना पकाने तक देश में सब महंगा कर दिया है। देश में अब बस इंसान की जान सस्ती है, जो कभी भूख से तो कभी तंगी से तो कभी लीचिंग से चली जाती है। यह बात लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है। देखिए बड़ी बात है, इसमें उन्होंने लिखा है कि आटा, दाल, मतलब खाना बनाने से लेकर के खाना पकाने तक का सभी संसाधन जो है उसे महंगा कर दिया गया। और उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो इसमें पूरा हस्तक्षेप कर रही है, इसे बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पर भी एक हमला कर दिया है लालू प्रसाद यादव जी ने। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सत्ता पक्ष है, यानी कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव जी ने एक और बड़ी बात लिखी है, तो यहां सस्ती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान के जान की कीमत, जो कभी भूख से कभी तंगी से तो कभी लीचिंग में चली जाती है। भूख तंगी के जिक्र किया है लालू प्रसाद यादव जी ने, और स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार के हाथों में अगर सत्ता रही तो महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी। इसलिए एक विकल्प जो है लालू प्रसाद यादव जी ने सुझाने का काम किया है तेजस्वी यादव जी का, नेता का, जो विपक्ष के नेता है अभी राजद का, उन्होंने विकल्प सुझाने का काम किया। चीजें स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव जी ने एक ट्वीट करने के साथ ही नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का दोनों का भविष्य तय कर दिया है। आप जो है बात लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।